बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है, भरी सभा में स्मृति ईरानी ने की प्रियंका गांधी की नकल। स्मृति ईरानी ने कहा कि इलाके में 1,14,000 गरीब लोगों के घरों को पीएम मोदी ने बनवाया, 4,00,000 परिवारों को शौचालय भी बनवा कर दिए। अमेठी के तिलोई विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए अमेठी से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की महासचिव राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर की जमकर मिमिक्री, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब कमल खिलेगा तब पीओके भारत में होगा शामिल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दावा। कीसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज उनके लिए वोट मांगने गोंडा पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने करण भूषण सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लालू यादव पटना के सबसे बड़े जमींदार, जमीन के लिए अपनों को भी नहीं छोड़ा, जेडीयू एमएलसी का आरोप। लालू यादव और उनका पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई के निशाने पर है। आए दिन कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, अब उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। अब तक तो सिर्फ दूसरों से ही जमीन लेने की बात थी, अब तो अपनों से भी जमीन के बदले नौकरी देने की बात सामने आई है। नौकरी देने की बात करने वालों ने तो अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शा। पीडीए के करण अर्जुन रायबरेली में लगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पोस्टर, बना चर्चा का विषय। रायबरेली लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव आज शुक्रवार यानी 17 मई को राहुल गांधी के पक्ष में जनसभा करने के लिए रायबरेली पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। वहीं इस दौरान जनसभा स्थल के पास एक सपा कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगवा रखी थी, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल बोले, अगर बीजेपी जीत गई तो शरद पवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र की भिवंडी में इंडिया गठबंधन के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित किया। जब मैं जीत गया तो इन लोगों ने 15 दिनों तक मेरी दवाइयां बंद कर दी। महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने कहा कि इस बार 48 में से 42 इंडिया गठबंधन को देना है। उन्होंने कहा कि अगर अब मोदी सरकार बनी, वैसे तो नहीं ही बनेगी, लेकिन अगर बनी तो शरद पवार जेल में होंगे, सुप्रिया सुले जेल में होंगी, आदित्य ठाकरे जेल में होंगे और उद्धव ठाकरे जेल में होंगे। हिमाचल में लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए इतने प्रत्याशी मैदान में, हमीरपुर और मंडी से नामांकन वापसी नहीं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद अब 4 संसदीय क्षेत्रों के लिए 37 और विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिमला में 2 और कांगड़ा में 1 नामांकन वापस हुआ है। इसके अलावा हमीरपुर और मंडी से कोई भी नामांकन वापसी नहीं हुई। इसी तरह विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए सुजानपुर और गगरेट में 2-2, जबकि धर्मशाला, लाहौर स्पीति, कुटलेहड़ के साथ बड़सर में कोई भी नामांकन वापसी नहीं हुआ। हमारी अधिकारियों से बात, तेजस्वी का दावा चल रही है पुलिस विभाग में अग्निवीर योजना की तैयारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने पुलिस विभाग में भी सेना की तरह अग्निवीर योजना लाने की मंशा रखने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश भर में युवाओं के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है वह अग्निवीर योजना है। हमारी अधिकारियों से बात हुई है, सरकार पुलिस में भी अग्निवीर योजना लाना चाहती है। स्वाति मालीवाल की घटना के समय घर पर नहीं थे सीएम अरविंद केजरीवाल, आतिशी ने दी जानकारी। स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब ये घटना हुई तब सीएम अरविंद केजरीवाल घर पर नहीं थे। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर भेजा था ताकि सीएम पर झूठे आरोप लगा सके। स्वाति मालीवाल इस षड्यंत्र का चेहरा थी, वो बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ पहुँची थी। इनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए। सीएम मोहन ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले आजादी के बाद ऐसा पहली बार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रकरण में मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली के सीएम हाउस में वसलूकी की घटना को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा। जेएमएम ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को पार्टी से निष्कासित किया। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। जेएमएम ने सीता सोरेन को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका सीट से प्रत्याशी बनाया है। जेएमएम से नाराज चल रही सीता सोरेन ने हाल ही में बीजेपी का दामन थाम लिया था और फिर उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। वो अपने क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार करने में भी जुटी है।